नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम विटामिन्स एंड मिनरल डेफिशिएंसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो करेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स से क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसमें से हम टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद पार्ट टू जो वीडियो आएगी उसमें हम मिनरल्स के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन को देख सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो जो विटामिन के होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन के इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो जो इसका सही आंसर है वो है विटामिन के। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पूछा गया है विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चाइल्ड वर्ल्ड वाइड। तो जो भी चिल्ड्रन हैं इनके अंदर पूरी दुनिया में ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन होने का सबसे बड़ा वजह क्या है? तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं, ग्लूकोमा, कैटारैक्ट, कलर ब्लाइंडनेस एंड विटामिन ए डिफिशियंसी। तो अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, न्यूनता हो जाती है, तो इसीलिए अंधापन हो सकता है यानी कि ब्लाइंडनेस हो सकता है, जो कि एक मेजर लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है विटामिन ए डिफिशियंसी। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन बच्चों में हो सकता है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशियंसी कॉज बेरी बेरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेरी बेरी डिजीज किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन को देख सकते हैं, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है विटामिन बी वन। तो अगर विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बेरी बेरी डिजीज हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉलिक एसिड, नियासिन, पैरिडॉक्सिन एंड कोबालमिन। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फॉलिक एसिड। तो जब इस तरह के कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी से होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है? तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आपको याद रखना है ए डी ई के, ए डी ई के आपको याद रखना है, ए डी ई के। ये जो विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा जो भी विटामिन है वो सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी ट्वेल्व एंड विटामिन के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल ए डी और ई के जो हैं यही केवल फैट सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है विटामिन के। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई डेफिशियंसी ऑफ नियासिन। तो अगर नियासिन की कमी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? इसमें पूछा गया है, ऑप्शंस आप देख सकते हैं, स्कर्वी, रिकेट्स, पेलाग्रा एंड परनीसियस एनीमिया। तो अगर नियासिन की कमी हो जाएगी तो पेलाग्रा डिजीज होता है इससे। तो इसको हम याद रखेंगे कि अगर नियासिन की कमी हो जाएगी तो इससे पेलाग्रा डिजीज होता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व एज हॉर्मोन प्रिकर्सर। तो जो भी हॉर्मोन्स बनते हैं वो किस कंपोनेंट से बनते हैं, या फिर आपको ये बताना है कि जो इसमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे हॉर्मोन बनते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो यहाँ पे दो बार विटामिन ए हो गया है, जिसको मैं यहाँ से काट देते हैं। तो यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए का ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी से बहुत सारे हार्मोन बनते हैं, इसीलिए इसको हम हार्मोन प्रिकर्सर भी कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एट कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंपोनेंट ऑफ को एंजाइम ए। तो जो हमारा को एंजाइम ए है इसका कंपोनेंट क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, रेटिनॉल, पैरिडॉक्सिन, रेटिनोइक एसिड एंड पैंटोथिनिक एसिड। तो जो को एंजाइम होता है इसका एक कंपोनेंट होता है पैंटोथिनिक एसिड। तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए एक क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या पूछा गया है।
यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबाल्मिन, तो इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको कि हम कोबाल्मिन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं, विटामिन बी 11, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12। तो यहाँ पे बेसिकली विटामिन बी 1 लिखा है, विटामिन बी बी 11 होता नहीं है, तो विटामिन बी 1 हम इसको मानेंगे, कंसिडर करेंगे। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है विटामिन बी 12। तो जो हमारा विटामिन बी 12 है इसको हम कोबाल्मिन कहते हैं, यानी कि साइनोकोबाल्मिन इसको कहते हैं हम। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स आर बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए का सबसे बढ़िया यानी कि बेस्ट सोर्स क्या है, तो वो होता है स्वीट पोटैटो। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं, इसमें स्वीट पोटैटो का जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो मैंने आपको पहले बताया है कि विटामिन ए डी ई के, तो आपको ट्रिक याद रखना है ए डी ई के, तो ए डी ई के अलावा जो भी विटामिन दिए गए हैं वो सभी वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, विटामिन बी 1, सी और बी 2, इसमें ए डी ई के में कोई नहीं है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, पूछा गया वीकनेस इन मसल्स एंड इंक्रीज इन द फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी इज कॉज्ड ड्यू टू, तो आपकी तो जो भी मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी यानी कि वीक हो जाएंगी, और जो भी आरबीसी है ये फ्रेगाइल हो जाएंगी यानी कि आसानी से टूटे लग जाएंगी, ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये बेसिकली होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। तो अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो आपकी मसल्स जो हैं वो वीक पड़ जाएंगी और जो आरबीसी है वो फ्रेगाइल हो जाएगा और जल्दी टूटने लग जाएगा, तो ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की वजह से होता है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ए वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनमें कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी लेडी में जो कि प्रेग्नेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर वुमन ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू, तो अगर विटामिन ए की कमी हो अगर विटामिन ए की कमी होती है तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थैल्मिया, इसके अलावा केराटोमेलेसिया एंड ऑल ऑफ दीज। तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो ये सभी बीमारियाँ हो जाएंगी, इसलिए ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इसके बाद हम विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है विटामिन डी अकर्स इन टू फॉर्म्स ऑफ, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो जो हमारा विटामिन डी है ये कैल्सीफेरॉल और कॉलीकैल्सीफेरॉल में पाया जाता है, तो ये इसके दो फॉर्म होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बोथ 1 और 2। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच विटामिन इज एसेंशियल इन इंटेस्टाइन, तो अगर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है तो इसके लिए कौन सा विटामिन इंटेस्टाइन में होना चाहिए, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है विटामिन डी। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी प्रोड्यूस ऑस्टियोमलेसिया इन एडल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है, लेकिन ऑस्टियोमलेसिया किस में होता है, एडल्ट्स में होता है, बच्चों में होता है, यानी कि चिल्ड्रन में होता है, बोथ 1 और 2 यानी कि दोनों में होता है या फिर किसी में नहीं होता है, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एडल्ट्स। तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी और उससे ऑस्टियोमलेसिया किस में होगा, वो एडल्ट्स में होगा यानी कि बड़ों में होगा। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, विटामिन ई बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोकोफिरॉल, टोकोफिनोल, फिनोल एंड नॉन ऑफ दीज, तो जो भी विटामिन ई हैं ये बिलोंग करते हैं टोकोफिरॉल ग्रुप से, तो वो टोकोफिरॉल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, यहाँ दिया गया है विटामिन ई इज एसेंशियल फॉर, तो विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर 1 रिप्रोडक्शन। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, तो यहाँ दिया गया कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई प्रोड्यूस, तो अभी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन किया है कि विटामिन इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, तो अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, स्टरिलिटी हो जाएगी, तो स्टरिलिटी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। यहाँ पूछा गया फॉर डेवलपमेंट आरबीसी, तो अगर आरबीसी का डेवलपमेंट करना है यानी कि उसका मैच्यूरेशन करना है तो इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉलिक एसिड, साइनोकोबालमिन, बोथ वन एंड टू रिक्वायर्ड एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसके लिए फॉलिक एसिड और साइनोकोबालमिन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया कि राइबोफ्लेविन इज, तो राइबोफ्लेविन क्या होता है, आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 एंड विटामिन B1। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है विटामिन B2। तो विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, तो चलिए हम यहाँ से इसको टिक कर लेते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। नियासिन इज, तो नियासिन विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है कि विटामिन B6 है। तो जो हमारा नियासिन होता है इसको हम विटामिन B3 कहते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे नियासिन इज विटामिन B3। तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, नियासिन विटामिन B3 होता है। इसके बाद थायमिन के बारे में बात करते हैं। थायमिन इज ऑल्सो नोन एज, तो थायमिन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम विटामिन B1 कहते हैं। तो देखिए जो हमारा थायमिन है ये विटामिन B1 है और जो हमारा राइबोफ्लेविन है ये हमारा विटामिन B2 है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉलिक एसिड के बारे में। तो फॉलिक एसिड जनरली फाउंड इन, तो फॉलिक एसिड सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कैबेज में, स्पिनिच में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, और ये मीट के अंदर यानी कि नॉनवेज के अंदर बहुत ही कम पाया जाता है। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। दोस्तों आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे लगे जो कि विटामिन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड थे और इससे लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो इसकी पार्ट 2 वीडियो आएगी उसमें हम मिनरल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।